Hey guys, welcome back to my channel. I hope you're all doing great and enjoying your college lives. So about the video, since the last video I posted, a lot of you were asking ki hum notes kaise banaye, like anatomy, physiology, NF, in sabke notes kaise banane hain, kya likhna hai, kya important hota hai. So in this video I'll cover all those topics ki aapko kaise notes banane hain, kya likhna hai, kya cheeze zaruri hoti hain notes mein. To aapke sare questions ke answer regarding notes will be answered in this video. So let's just get into the video. So सबसे पहले हम बात करेंगे basic points in note making. तो ये जो basic point in note making है ये आपको like हर subject में काम आएगा, ठीक है. अब इसमें क्या देखना है कि आपको क्या क्या चाहिए है notes बनाने के लिए, ठीक है. तो सबको पता है कि क्या क्या चाहिए, बट फिर भी मैं बता देती हूँ कि आपको एक कॉपी चाहिए, रजिस्टर चाहिए, ठीक है, अच्छा सा, और उसमें आपको पेन्स चाहिए हैं, स्केच पेन्स. अगर आप अच्छे से नोट्स बनाना चाहते हो तो आप स्केच पेन्स का यूज़ कर सकते हो. और इफेक्टिव नोट्स में आप क्या लिख सकते हो, लाइक जो भी हेडिंग्स हैं उनको स्केच पेन से लिख सकते हो, ठीक है, और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको आप अंडरलाइन कर सकते हो. एंड ट्राई टू राइट इन पॉइंट्स, लाइक अवॉइड पैराग्राफ्स. लाइक अगर आप पैराग्राफ नहीं उतार के लिख दोगे बुक से तो फिर आपका नोट्स बनाने का कोई फायदा नहीं है, आपको फिर बुक से ही पढ़ लेना चाहिए, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये बेसिक्स हैं, आपको हर किसी सब्जेक्ट के नोट्स मेकिंग में ये आपको काम आएगी. एंड वन मोर थिंग इन बेसिक पॉइंट्स विल बी कि हमेशा सिलेबस खोल के ही अपना नोट्स बनाना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा होंगी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके काम की नहीं होंगी और सिलेबस में भी नहीं होंगी. तो अगर आप सिलेबस खोल के नोट्स नहीं बना रहे हो तो आप वो भी लिख लोगे अपने कॉपी में और फिर उसको ही दोबारा पढ़ते रहोगे, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, वो टाइम वेस्ट होगा एक, ठीक है. तो हमेशा अपना जो भी नोट्स बनाना वो सिलेबस खोल के बनाना, ठीक है. अब चलते हैं रियल टॉपिक पे, लाइक कैसे आपको बाकी सब्जेक्ट्स के फर्स्ट सेमेस्टर में नोट्स बनाने हैं एक्चुअली. सो सबसे पहले हम जो सब्जेक्ट की बात करने वाले हैं वो है एनाटॉमी, ठीक है. अब देखो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जो है, ठीक है, ये दोनों अलग सब्जेक्ट हैं, ठीक है, मगर इनका जो एग्जाम होगा वो एक साथ होगा, लेकिन वो पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, लाइक एनाटॉमी का पार्ट अलग होगा, फिजियोलॉजी का पार्ट अलग होगा. तो आप जब नोट्स बनाएंगे तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि एनाटॉमी का अलग कॉपी है और फिजियोलॉजी का अलग कॉपी है. आपको जैसे बुक में दे रखा है, ठीक है, कि एक साथ ही सारी चीज़ें दे रखी हैं, आपको एक पार्ट उठाना है, उसका पहले एनाटॉमी का पार्ट लिखना है, उसके बाद आपको उसका फिजियोलॉजी लिखना है, ठीक है. यानी कि आप पहले एनाटॉमी को पूरा लिख रहे हो, फिर दोबारा पढ़ रहे हो, दोबारा फिजियोलॉजी का लिख रहे हो, ऐसे मत करना क्योंकि ऐसे बहुत टाइम वेस्ट होगा और सारी चीज़ें एक साथ ही दे रखी होती है बुक में. तो हम पहले बात करते हैं एनाटॉमी में आपको क्या क्या लिखना है. तो एनाटॉमी का मतलब क्या होता है, एनाटॉमी में हम पढ़ते हैं बॉडी के स्ट्रक्चर्स के बारे में, लाइक हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं, जो हर एक सिस्टम होता है उसके, हम ऑर्गन्स के सिस्टम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं. तो आपको सबसे ज़्यादा एनाटॉमी में क्या ज़रूरी होता है, आपका सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है डायग्राम्स. आपको अपने नोट्स में भर भर के एनाटॉमी में डायग्राम्स बनाने हैं, ठीक है, हर एक ऑर्गन के जो भी आपके सिलेबस में दे रखा है, ओके. अब आप एक बार डायग्राम अपनी कॉपी में बना लोगे ना तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा एग्जाम में, लाइक आपकी एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी डायग्राम की और आपको याद भी हो जाएगा क्योंकि आप बार बार फिर उसको ही देखोगे, ठीक है. तो आपको डायग्राम्स बनाने हैं एनाटॉमी में. और क्या क्या ज़रूरी है, जैसे हम आपका एग्जाम्पल लेके चलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम का, ठीक है, मान लो उसमें आपको हार्ट टॉपिक है, उस पर आप नोट्स बना रहे हो, तो आपको क्या क्या लिखना है, ठीक है. अब मैं हार्ट का एग्जांपल दे रही हूँ लेकिन आपको हर चीज़ में ऐसे ही फॉलो करना है कि ये चीज़ें जो मैं बता रही हूँ ना ये चीज़ें मेन है, ये आपको लिखनी ही लिखनी है एनाटॉमी में, ठीक है. तो अब जैसे हार्ट है तो हार्ट में क्या क्या होता है, ठीक है, हार्ट की सबसे पहले आप हार्ट के बारे में लिखोगे, ठीक है, हार्ट की पोजिशन क्या है, ठीक है, हार्ट का वेट क्या है, हार्ट की डायमेंशंस क्या है, ठीक है, और हार्ट के सराउंडिंग ऑर्गन्स क्या हैं, लाइक एंटीरियरली, पोस्टीरियरली, ये सब आपको अपने नोट्स में लिखना है. और ये मतलब आप ऐसे मत लिखना कि हार्ट इज सिचुएटेड इन, ऐसे मत लिखना, ऐसे बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है. आपको क्या लिखना है, हार्ट हेडिंग डाला आपने, फिर आप लिखोगे पोजिशन, वेट, डायमेंशन, सराउंडिंग ऑर्गन्स, लेटरली, पोस्टीरियरली, एंटीरियरली, ठीक है. अब आप उसके आगे ही ब्लू पेन से लिख दोगे पोजिशन क्या होती है, मीडियास्टेनम, तो आपने मीडियास्टेनम लिख दिया, ठीक है. उसके बाद वेट क्या होता है आप लिख दोगे, डायमेंशंस जो भी दे रखे हैं वो आप लिख देना, और सराउंडिंग ऑर्गन्स जो भी दे रखे हैं हार्ट के बुक में आप वो लिख देना. अब आपको नोट्स बनाते वक्त ये भी ध्यान देना है कि आप रीड भी कर रहे हो, लाइक आपको सिर्फ लिखना ही लिखना नहीं है, आपको रीड भी करना है अपनी बुक से कि आपको, हाँ, दिमाग में थोड़ा जा रहा है, क्योंकि अगर आपको रीड आप नहीं करोगे सही से तो आप पेपर में नहीं लिख पाओगे, फिर वही हो जाएगा कि आपको नोट्स में भी पूरा पूरा लिखना है और पेपर में भी पूरा पूरा लिखना है. तो आप ऐसे पढ़ो, इफेक्टिव रीडिंग करना, जिससे कि आप अपना नोट्स भी बना लो और आपको थोड़ा बहुत याद भी रहे कि हमको कैसे लिखना है एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में थोड़ा भर भर के ही लिखना होता है. एग्जाम में आप सीधा पॉइंट वाइज एकदम बिल्कुल वैसे नहीं लिख सकते हो, ठीक है, आपको अगर आप पॉइंट लिख भी रहे हो ना तो आपको उसको थोड़ा डिफाइन करना पड़ेगा. अब आपने हार्ट का इतना चीज लिख दिया, ठीक है, तो ये हो गया आपका इंट्रो. उसके बाद आपको क्या करना है, हार्ट का डायग्राम बनाना है, ठीक है. आपने हार्ट का डायग्राम बना दिया, वेल लेबल्ड डायग्राम,
उसके बाद आपको क्या लिखना है कि उसमें हर्ट की लेयर्स होती है, ठीक है? तो हर्ट की लेयर्स लिखनी है आपको। अब वो कैसे लिखने हैं, आप पूरा पूरा पैराग्राफ उठा के मत छाप देना, ठीक है? लिखना हर्ट लेयर्स, उसके बाद तीन लेयर होती हैं हर्ट्स की, तो हम लिख देंगे उसमें तीनों के नाम, उसके बाद उसके आगे दो दो लाइनें उनकी लिख देंगे, ठीक है? कॉपी आपको भरनी है बुक से, ऐसा नहीं है कि मतलब अपने मन से कुछ भी लिख दिया, ठीक है? बुक में जो लिखा है वही वही लिखना, अपने मन से कुछ भी मत लिख देना। उसके बाद आपको क्या लिखना है, जो मेन चीज़ आपको ज़रूर ही लिखनी है एनाटॉमी के एग्जाम में, एनाटॉमी के नोट्स में, वो है ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई आपको याद करनी पड़ेगी कैसे भी करो, पर ये लिखना ज़रूरी है, ठीक है? आप हर ऑर्गन्स की ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई सब आपको याद होनी चाहिए, ठीक है? अब ब्लड सप्लाई में आपको आर्टेरियल सप्लाई, वीनस ड्रेनेज, नर्व सप्लाई अलग से आपको लिखनी ही लिखनी है, ठीक है? तो ये हो गया आपका एनाटॉमी का पार्ट, कि आपको एनाटॉमी में मैंने हार्ट का एग्जांपल दिया है, तो बाकी सब चीज़ों में भी आपको ऐसे ही लिखना है। जो जो मेन चीज़ें मैंने बताई, लाइक पोजीशन, वेट, डायमेंशन, सराउंडिंग ऑर्गन्स और जो लेयर्स वगैरह होती हैं और ब्लड सप्लाई, ये आपको ज़रूर ही लिखनी है एनाटॉमी में, ठीक है? तो इतना था एनाटॉमी का पार्ट। अब हम बात करते हैं फिजियोलॉजी की। सो फिजियोलॉजी, अब हम बात करेंगे कि हम फिजियोलॉजी में हमें क्या लिखना है। तो फिजियोलॉजी का मतलब क्या है कि हमें फंक्शंस के बारे में पढ़ना है। अभी हमने एनाटॉमी के स्ट्रक्चर, एनाटॉमी में हमने स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा बॉडी ऑर्गन्स के, अब हमें उन्हीं का फिजियोलॉजी पढ़ना है, लाइक उन्हीं का फंक्शंस पढ़ना है। फिजियोलॉजी में क्या है, आपको पूरा समझना है, ठीक है? आपको ऐसे रटना नहीं है, फिजियोलॉजी रटने वाला सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। आप ट्राई करना कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समझ सको। अब देखो फिजियोलॉजी में हम क्या क्या लिखते हैं। फिजियोलॉजी में हम लिखते हैं फंक्शंस के बारे में, मैकेनिज्म के बारे में, कैसे कौन सी चीज़ हो रही है, हम ये पढ़ते हैं फिजियोलॉजी में, ठीक है? क्या क्या वैल्यूज़ हैं, क्या क्या वेरिएशंस आ रही हैं। अब हार्ट की बात हमने की, तो हार्ट में कार्डियक साइकिल होती है, तो वो कैसे होती है, उसकी क्या क्या स्टेप्स रहते हैं, ये सब चीज़ें आ जाती हैं फिजियोलॉजी में, ठीक है? तो आपको फिजियोलॉजी में भी ऐसे एकदम पैराग्राफ में नहीं लिखना है। पहली बार आपको जैसे फंक्शंस होते हैं, ठीक है, तो आप फंक्शंस कैसे लिख सकते हो, या तो आप फंक्शन का हेडिंग डाल के उसको पॉइंट्स में लिख सकते हो, ठीक है? और अगर और अच्छे से आप लिखना चाहते हो तो आप लाइक लिख सकते हो, एक सर्कल बनाओ फंक्शंस ऑफ हार्ट या फंक्शंस ऑफ लीवर या जो भी ऑर्गन है, ठीक है? उसका आपने सर्कल बनाया, उसके बाद आप ऐसे लाइंस खींच के 1 2 3 4 पूरा बड़ा सा वो चार्ट टाइप का बन जाता है, तो आप वैसे ही कर सकते हो। लाइक ऐसे देखो, ऐसे फंक्शन ऑफ लीवर आपने लिखा, उसके बाद आप 1 2 3 4 ऐसे करके आप सारे फंक्शंस लिख सकते हो शॉर्ट में। इससे क्या होता है, जब आप दोबारा पढ़ते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी होता है, बस आपको एक बार देखना होता है और आपको सब कुछ याद आने लगता है, ठीक है? अब ये फंक्शंस भी आपको एकदम शॉर्ट में आप लिख तो रहे हो, लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि इसके पीछे क्या चल रहा है। तो उसके लिए आपको वो कैसे पता चलेगा, वो आपको पता चलेगा रीडिंग से। आपको अच्छे से रीड करना है, उसके बाद आपको ये लिखना है, ठीक है? अब बात करते हैं, ये फंक्शंस की बात हो गई, अब हम बात करते हैं फिजियोलॉजी में मैकेनिज्म्स की, ठीक है? मैकेनिज्म्स आपको कैसे लिखनी है। मैकेनिज्म्स में आप बेस्ट यही रहेगा आपके लिए कि आप फ्लो चार्ट बना लो, ठीक है? अगर आप उसको पैराग्राफ में लिखोगे या पॉइंट्स में लिखोगे, आपको नहीं याद रहेगा। स्टेप्स में आप स्टेप 1 स्टेप 2 करके लिखोगे, आपको नहीं याद रहेगा। अगर आप अपने नोट्स बना रहे हो तो उसको ट्राई करो कि आप फ्लो चार्ट में लिख लो। लाइक मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग हो गया, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ विजन वगैरह हो गया, मैकेनिज्म हो गया आपका नोज का जो भी होता है स्मेल करने का, तो वो सब चीज़ें आप फ्लो चार्ट में लिख लोगे ना तो बहुत ईजी हो जाएगा। आपने एक बार रीड किया बुक से, उसके बाद आपने उसी को रीड करके उसी पैराग्राफ को आपने कन्वर्ट कर दिया फ्लो चार्ट में। और आप अगर नहीं भी कर पा रहे हो तो आप एक बार बुक से रीडिंग करो, आप चैट जीपीटी में डालो कि फ्लो चार्ट ऑफ दिस, ठीक है, फ्लो चार्ट ऑफ दिस मैकेनिज्म, वो आपको दे देगा, ठीक है? तो आप ऐसे फिजियोलॉजी के नोट्स बना सकते हो, ठीक है? सो अब बात करते हैं नर्सिंग फाउंडेशन के नोट्स की। नर्सिंग फाउंडेशन का नोट्स आपको कैसे बनाना है, सबसे पहला तो सिलेबस खोल के बैठना, लाइक बिना सिलेबस खोले नोट्स किसी भी सब्जेक्ट के मत बनाना, क्योंकि बहुत सारा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा दे रखा होता है बुक्स में जो कि आपको नहीं पढ़ना होता है। तो आपको सिलेबस खोल के नोट्स बनाने हैं, उसमें जिस जिस टॉपिक की डेफिनेशन दे रखी है वो डेफिनेशन एज इट इज आपको अपने नोट्स में लिखनी है, उसमें आपको कोई मॉडिफिकेशन नहीं करना है। नर्सिंग फाउंडेशन में बता रही हूँ, ठीक है? और रोल ऑफ नर्स होते हैं वो आपको, आप सर्कल बना के जैसे मैंने फंक्शंस के बारे में बताया वैसे भी आप लिख सकते हो, पॉइंट्स में भी आप लिख सकते हो, ठीक है? आप टेबल्स बना सकते हो, बहुत सारी टेबल्स दे रखी होती है बुक्स में, दे रखी होती है, आप उनका यूज़ कर सकते हो, आप अपने नोट्स में वो टेबल्स बना सकते हो। और जो डिफरेंसेस होते हैं उसका भी आप टेबल्स में ही बनाने का ट्राई करना, कि लाइक एक पार्ट इधर एक पार्ट इधर, तो डिफरेंस आपका ऐसे क्लियर दिख जाता है और ईजी हो जाता है रिवाइज करने में, ठीक है? और डायग्राम्स जो भी दे रखे हो आपके नर्सिंग फाउंडेशन की बुक्स में, लाइक आपके फर्स्ट चैप्टर में इलनेस वेलनेस कॉन्टिनम दे रखा है और मास्लोज हायरार्की दे रखा है, तो वो सब चीज़ें आपको डायग्राम एज इट इज़ बना देने हैं, ठीक है? ताकि आप एग्जाम में अच्छे से लिख पाओ।
आपके नोट्स में वो डायग्राम्स मतलब होने चाहिए. और जैसे वाइटल्स वाला हो गया तो उसमें टेबल्स काफ़ी ज़्यादा काम आएगी आपके. तो आपको ये सब चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, फ्लो चार्ट हो गया, टेबल हो गया, डिफरेंस बनाने वाला हो गया, चार्ट बनाने वाला हो गया, ये जितना आप अपने नोट्स में करोगे ना उतना आपके लिए ईजी होगा उनको पढ़ने के लिए. ठीक है. और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने इतना ही लिखा सिर्फ नोट्स में तो मुझे समझ में नहीं आएगा, तो आप थोड़ा सा उसको डिफाइन कर दो. ठीक है, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसा अपना नोट्स बनाना चाहते हो. ठीक है. सो अब हम बात करते हैं कि आपको सोशियो साइको के नोट्स कैसे बनाने हैं. तो सोशियो साइको में देखो, मेरा सजेशन यही रहेगा कि आपके कॉलेज में अगर पढ़ाई हो रही है सोशियो साइको की, तो आप रनिंग नोट्स बनाओ. लाइक जो भी आपके टीचर्स पढ़ा रहे हैं, जो भी बता रहे हैं, वो उसको आप क्लास में ही लिखते रहो, रफ कॉपी में या फिर मेन कॉपी में अपनी लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो, और घर आके उसको ही थोड़ा रिवाइज कर लो और उसमें ऐड कर दो बुक से चार पांच पॉइंट्स. और या तो फिर आप सीधा बुक से पढ़ सकते हो उसमें. ठीक है, अंडरलाइन करके आप आराम से बुक से पढ़ सकते हो, क्योंकि सोशल साइको में क्या रहता है, ज़्यादातर डेफिनेशंस रहती हैं, तो आप डेफिनेशंस को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, डेफिनेशन को आप छोटा नहीं कर सकते. और उसमें कुछ चीज़ें जो होती हैं वो फैक्चुअल्स रहती हैं, मतलब फैक्ट्स ही रहते हैं, तो फिर उसको आप कंप्रेस करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है. उसमें मेन चीज़ यही होती है कि रोल ऑफ नर्स, जो रोल ऑफ नर्स होता है हर चैप्टर का, आप वहीं लिख सकते हो नोट्स में कंप्रेस करके. ठीक है, बाकी सारा जैसा उसमें दे रखा होता है वैसा ही लिखना होता है. आपको थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा सोशियोलॉजी में और साइकोलॉजी में. और अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप प्रॉपर नोट्स जैसे बाकी सब्जेक्ट्स के आप बना रहे हो वैसा भी आप बना सकते हो. सोशल साइको में मेनली आपको रीडिंग करनी है अच्छे से, मेनली आपको ये समझना है कि क्या हो रहा है उस सब्जेक्ट में, तो आप आराम से लिख लोगे. जो पॉइंट वाली चीज़ है वो मैंने आपको बताई थी कि आप पॉइंट्स में लिख सकते. एंड आई वुड लाइक टू शेयर सम ऑफ माई सजेशंस जो कि आप यूज़ कर सकते हो अपने नोट्स बनाने में. लाइक आप एक रफ कॉपी रखो. ठीक है, अगर आपके कॉलेज में पढ़ाई हो रही है अच्छे से, तो आप एक रफ कॉपी अपने पास रखो. जो भी टीचर आपका पढ़ा रहा है उसको आप रनिंग नोट्स में रफ कॉपी में लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ. ठीक है, और क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है ना कि टीचर्स कुछ चीज़ें ऐसे बताते हैं जो बुक में नहीं दे रखी होती है, वो इंपॉर्टेंट होते हैं. ठीक है, वो ऐसे पॉइंट्स बताते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं बहुत सारे पॉइंट्स को, तो ये चीज़ आप अपने रफ कॉपी में लिख सकते हो. और उसके बाद जब आप अपना फेयर कॉपी में, मतलब जब आप अपने रियल नोट्स बना रहे हो ना उस सब्जेक्ट के, तो आप उन पॉइंट्स को अपने उस नोट्स में कन्वर्ट कर सकते हो, लाइक उसमें लिख सकते हो. इससे क्या होता है, ईजी हो जाता है, प्लस आपका जो भी पढ़ाई किया गया, जो भी पढ़ाई पढ़ाया क्लास में, उससे आपका वो रिवाइज भी हो जाता है. आप एक बार फिर से वो ये चीज़ देखते हो जो क्लास में पढ़ाई गई, तो ये चीज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहती है, आपको याद भी रहता है वो सब्जेक्ट और या फिर वो टॉपिक जो भी पढ़ाया हो. तो ये मेरा सजेशन था. बाकी तो मैंने जो भी, जो मैं करती हूँ नोट्स बनाने में, वो सब मैंने आपको बता दिया. जो भी मैंने यूज़ किए थी चीज़ें वो भी मैंने आपको सारी बता दी. एंड या दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो एंड आई होप यू लाइक इट एंड इट हेल्प्ड यू. सो या सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. तब तक बाय बाय.